है, बेहद खुश हूँ। मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे खासे व्यूअर्स और रिस्पॉन्स मिले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक नया वीडियो बना लूँ। तो मैंने आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्लाउड बफर का LED TV, जो कि 43 इंच डिस्प्ले की है और स्मार्ट TV है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो की ओर। 43 अल्ट्रा HD का डिस्प्ले क्लाउड बफर TV है। देखिए सर, सबसे नीचे आपको मिलेगा क्लाउड बफर का ये लोगो लगा हुआ है, ये स्टैंड जो मैंने पहले ही फिक्स कर चुका हूँ, और ये रहा आपका ये AC केबल। तो चलिए मैं आपको इसे पीछे वाले इंटरफेरेंस के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। आपको मिलेगा ये मदरबोर्ड का बॉक्स, सबसे नीचे आपको मिलेगी 8 वाट का स्टूडियो स्पीकर। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे साइड का दिखाता हूँ। तो साइड का देखिए तो आपको 2 USB पोर्ट, एक ऑक्स का और एक मेमोरी कार्ड और एक एंटीना और एक HDMI पोर्ट। लेकिन आप इसे सबसे ज़्यादा गौर करने वाले दिखा से देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी डायरेक्ट SD कार्ड लगाने की फैसिलिटी। आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप पेन ड्राइव और ये कार्ड रीडर यूज़ करें, आप डायरेक्ट इसमें SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसके सबसे नीचे वाले पोर्ट दिखा दूँ। सबसे नीचे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैं इसे स्लोप कर दूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर केबल मिलेगा जो कि AV इन का है, और यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट दोनों दिया हुआ है। आप यहाँ साथ में साथ आप कैमरा भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका ये LED का फीचर। चलिए इसका आपकी मोटाई के बारे में बता दो। इसकी जो ये देख रहे हैं ना, कम से कम आपको ये 1/2 इंच की मोटी है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत TV है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं इसे ऑन करके आपके सामने दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप इसे अनबॉक्स किए तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा आपको बॉल माउंट, जो कि दीवार में फिट करने के लिए है। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था 30 kg का ये मैक्सिमम लोड रख सकता है। चलिए मैं इसे साइड करता हूँ, लेकिन आप आगे समझ लीजिएगा। उसके बाद मिलेगा USB मॉस रिसीवर, जो कि आपको TV के पीछे USB पोर्ट लगाना होगा, जिससे ये बेनिफिट होगा कि आप इसमें आपका मॉस इसी से रन करेगी। उसके बाद चलिए हम इसको रिमोट की ओर चले। तो रिमोट देखिए, इसका बहुत ही बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा डिजाइन का रिमोट बना हुआ है। इस रिमोट का सबसे अच्छा खासियत है कि इसमें आपको एयर मॉस मिलेगा, ना कोई केबल का सेंसर ना कुछ, सीधे आपका डिस्प्ले पर आपसे बिना वायर का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें दिखा दूँ कि सबसे पहले आप इसे देखिए, फिर ड्यूअल सेंसर के साथ है, क्योंकि एक आपको मिलेगी मॉस सेंसर और एक मिलेगी TV सेंसर। तो बहुत ही बेहतर, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ड्यूअल टोन का यहाँ पे मिलेगा आपको सेंसर वगैरह मिलेगी। तो चलिए ये रहा इसका अनबॉक्सिंग, अब हम चलते हैं अपने TV की ओर। क्लाउड वगैरह TV रखा हुआ, देखिए मैंने इसमें लाइन इंसर्ट कर दिया हूँ। देखिए ये आपका ये जो मॉस का केबल जो है, मॉस का जो ये रिसीवर है, मैं इसे पीछे लगाता हूँ USB पोर्ट में। चलिए मैं इसे लगा दिया और यहाँ देखिए, और चलिए मैं इसे बटन इसका पावर का ऑन करता हूँ। ऐसे ही ऑन होगा तो देखिए वहाँ पर ब्लिंक करेगी। आपको सबसे पहले यहाँ लिखा है क्लाउड बफर का लिखा हुआ, सबसे बड़ी साइन लिखेगी क्लाउड बफर लिखी हुई है। उसका देखिए एंड्रॉयड का सिंबल चलता है एंड्रॉयड, और ये बस हुआ शुरू। देखिए आपके सामने शुरू हो रहा है क्लाउड बफर का LED TV। मैंने इसे पहले ही प्री इंस्टॉल कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको स्पेशल फीचर्स बस इसे दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे अगर इथरनेट आपको कनेक्ट रखेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ेगा इथरनेट डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड, और ये इसका इंटरफेरेंस है। सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको TV का ये मिलेगी, यहाँ बाकी जो आप प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वगैरह है वो सारे मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको USB पोर्ट लगा है या नहीं लगा है, ये सब दिखाएगा। यहाँ पे आपको वेदर दिखाएगा टाइम के साथ, यहाँ पे आपका यूजर गाइड का इसके नाम से ये रजिस्टर्ड है। देखिए मैं इसका मॉस रन कराने के लिए, सबसे पहले मॉस रन कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ मॉस का बटन है, इसे जैसे ही आप ऑन करते हैं देखिए आपके सामने ये मॉस रन कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले आपको और अच्छी तरह भेज चलता हूँ, और इसके जैसे पहले कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह इसमें लगाए हुए हैं। देखिए ये आपके सामने प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, आप इसे कोई भी एंड्रॉइड गेम खेल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस, अनमारस, हॉटस्टार, प्ले स्टोर, MX प्लेयर, एयर प्ले गेम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो आप चाहें शेयर सब यूज कर सकते हैं इसमें। सबसे बेहद बात, सबसे अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 43 इंच का अल्ट्रा HD डिस्प्ले है। तो चलिए मैं आपको इसके सी शेयर एप्लीकेशन वाले में बताने जा रहा हूँ। सी शेयर एप्लीकेशन के बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने सी शेयर का एप्लीकेशन, मैं इसे ओपन करता हूँ। इसे ओपन करने के लिए सिर्फ आप एक बार ये बार यहाँ पे आपको एक बार ओके करना पड़ेगा, जिसे यहाँ पर रहेगा ये आपके सामने सी शेयर एप्लीकेशन खुल जाएगा। और ये देखिए सी शेयर में देखिए आप यहाँ पर लिखा है मेक श्योर योर डिवाइस इज कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क ऑफ दिस डिवाइस।
नेटवर्क इधर दिखाएगा या फिर स्टार्टअप डिवाइस फ्रॉम द क्लाउड लिंक टीवी। यहाँ पर देखिए आपको क्यूआर कोड यहाँ पे शो करेगा जो कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना। चलिए दोस्तों मैंने आपको मोबाइल दिखाता हूँ वो कैसे रन करती है, जो चलिए आपको दिखा दूँ। तो इस आपको सी से यूज करने से पहले सबसे पहले आपको इसमें वाईफाई खोलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने वाईफाई खोल दिया, नेटवर्क मोड में लिया। सबसे नीचे देखिए आपको ऑप्शन रहेगी वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस में इसमें क्लिक किया सर, ये देखिए आपके सामने आपका ये खुल चुका है। चलिए मैं अपना हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन करता हूँ जिसके बारे से मैं कनेक्ट कर दूँ। हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए आपका ये हॉटस्पॉट से मैं जैसे कनेक्ट करना जा रहा हूँ। ये देखिए कनेक्शन की हो रही, देखिए कनेक्टिंग हो रही है और ये शायद ये रहेगी। देखिए आपको यहाँ पे शायद हाँ ये देखिए आपका कनेक्टेड शो कर दिया है। चलिए मैं इसे बैक करता हूँ, बैक करने के बाद देखिए ये सिस्टम वगैरह, सबसे पहले आपको इसमें सिस्टम वगैरह मिला लेकिन थोड़े से बाद में अपडेट करूँगा कि भी। चलिए कैंसिल करता हूँ, तो ये देखिए मैंने सी शेयर एप्लीकेशन सब खोल दिया और मैंने भी इसे सी शेयर अपने मोबाइल के डिवाइस में कनेक्ट कर चुका हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने सी शेयर का मिलना, देखिए सबसे पहले आपको सी शेयर का स्टार्टिंग ओपनिंग दिखाएगा। तो आपको ना इसमें सबसे पहले आपको ना क्यू आर कोड दिखा लाइक मैंने क्यू आर कोड पहले इसमें कनेक्ट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर रेडमी 3S में मैं दिखाया था, चलिए देखिए मैं आपको वीडियो शो कर दिखाता हूँ कैसे इसमें काम करती है। मोबाइल से देखिए डायरेक्ट इसमें डिस्प्ले में देखिए आपके सामने, देखिए मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह यूज कर सकता कर रहा हूँ। और चलिए मैं आपको 4K का वीडियो जब चला कर दिखाता हूँ जो कि बेहद ही अच्छे तरीके से चलते हैं। और ये देखिए 4K का डिस्प्ले देखिए आपके सामने रन कर रहा है। सी शेयर बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चाहें तो मोबाइल से ही इसका सारा फंक्शन कर सकते हैं। एक बार आप मोबाइल से कनेक्ट कर दिएगा कोई जल्दी नहीं है कि आपसे रिमोट से करें, सारा सिस्टम आपको मोबाइल से काम करेगा। ये आपके सामने है 4K रन कर दिया। मेन बात इसकी स्पीकर की है, स्पीकर क्वालिटी अच्छा है, उतना भी नहीं बोल सकते हैं। मुझे ये 30,000 में फ्लिपकार्ट से मैंने इसे खरीदा था, 30,000 की टीवी बहुत ही अच्छा है। चलिए ये रहा आज से क्लाउड वगैरह का टीवी का ये रिव्यू और सी शेयर का बारे में डिस्कस किया। दोस्तों मेरे वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट देता रहूं। मेरा नाम है अभिजीत गोरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तक आप मेरा वीडियो जरूर से जरूर देखें। चलिए आज के लिए थैंक यू, ये रहा मेरा आपका दूसरा वीडियो।